राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में कुमार धुबी श्रम कल्याण केंद्र स्थित नियोजनालय में दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन बेरोजगार युवक युवतियों को सीधे रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में बेरोजगारों की एक फौज नजर आई। वहीं बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी लाने का राज्य सरकार के इस पहल को लोगों ने काफी सराहा है। रोजगार मेले की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में जिला नियोजन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि आज के इस रोजगार मेले में कुल 2500 वैकेंसी है, जिसके तहत 2500 बेरोजगारों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। मेरा नाम स्वास्थ्य कुमारी पंडित है और ये जॉब लेटर फिर मुझे मिला है, ये बेंगलोर का है और मैं आउट ऑफ स्टेट में जाना चाहती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आई एम मैरिड एंड फॉर मी दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड ये बहुत एक जॉब मिला जो ये लगा है, जिससे हम लोगों को कैंडिडेट जो होते हैं उसको बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी मिला है क्योंकि अदर कंपनीज में यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा जो है सरकार ये कर रही है जिससे हम बहुत ही खुश हैं और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं ये अप्लाई किए। देश तो यही है, देखिए सरकार की पहल अच्छी है कि बेरोजगारों को जो है नौकरी दिया जाए और रोजगार मेला अच्छा चीज़ है, लेकिन हम भी आए हैं अपना कुछ रोजगार के लिए ही आए हैं, बहुत दिन से हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अभी आप फॉर्म भरे हैं? अभी हम पंचायत कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्म भरे हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया क्या है, रुकिए आपको एक आध घंटा ऑफर लेटर हम देंगे। आज 24 तारीख को दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला कुमार धुबी नियोजनालय में लगाया गया है। असम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में ये लगाया गया है और ऑलमोस्ट 2500 वैकेंसीज है और 16 से 17 कंपनीज आई हैं जो अलग अलग टाइप के वैकेंसीज ले रही है, ITI, 10th क्लास, 12th ग्रेजुएशन, सब तरह की वैकेंसीज है। लोकल में 5 कंपनियाँ आई हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी है, कुमार धुबी हॉस्पिटल है, इंडवेल्स है और सनब्राइट है, ये लोग लोकल में ले रही है, लोकल वैकेंसी भी दी है। जो अप्लाई कर रहे हैं क्या?